देखिए झोले हेमंत सोरेन ने लिए है, लेकिन झोले का भीतर जो साउल होता है वो किसने लिए? मोदी जी ने दिए है। तो ये झोले वाला पॉलिटिक्स नवीन पटनायक जी ने भी किया था कि मोदी जी साउल देगा, हेमंत सोरेन जी खाली झोले देगा। तो लोग तो इतना समझता है ना, खाने का साउल दे रहा है मोदी जी, खाली झोला दे रहा है हेमंत सोरेन सर। तो ये जो सरकार है ना, बोले सर, ये सरकार खाली अभी क्या देख रहा हूँ मैं, जब से झारखंड से आया हूँ, कोई युवाओं का फिक्र नहीं, किसी को नौकरी नहीं, किसी को काम नहीं, कुछ नहीं। एक और जानकारी मिले दूं सर कि एक किस्त मैया योजना के बाद दूसरी किस्त नहीं आई। आप मैया तो छोड़ दीजिए, दादा दादी नाना नानी का पेंशन बंद कर दिया है और यहाँ मैया कर रहे हैं, घर में ही बहू और सास भी झगड़ा, सास का अंदर में झगड़ा हो रहा है, भाई ये क्या मैया है? वो मैया को छोड़ दीजिए। बात ऐसा है अभी झारखंड में क्या हो रहा है, हर जगह में जाइए कल्पना जी बोलेगा हेमंत जी जैसा बड़ा आदमी नहीं है, हेमंत जी बोलेगा कल्पना जी से महान कोई नहीं। तो अभी हम तो सिनेमा ही देख रहा हूँ, पति पत्नी का बारे में बोलता है, पत्नी पति का बारे में बोलता है, एक दूसरे के लिए सल रहा है। हम लोग तो ऐसे हो गया हूँ, किसी का घर में नौकरी नहीं है, किसी का घर में पेंशन नहीं है, लाइट नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने ये निर्णय किया है थोड़ा सा पति पत्नी को रेस्ट लेना है और समता झारखंड का युवा शक्तियों का हाथ में आना चाहिए, CGL एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए गरीबों से बिना खर्ची बिना पर्सी, बढ़िया से सबको नौकरी होना चाहिए, गोगो डीडी चालू होना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। लोग नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करते हैं। ये इंडिया गठबंधन वाले अभी से ED सबको ब्लेम करना शुरू कर दिए। देखिए इंडिया गठबंधन वाला लोग हवा नहीं समझ रहे, वो लोग सोचता है कोई आज हमको बोल रहा है कि ये लोग तो 20% से शुरू करेगा, मतलब वो 20% कौन है? घुसपैठिया। तो 20% घुसपैठिया से वो लोग अंक शुरू कर रहा है। मेरा बोलना है देखिए 20% घुसपैठिया से अंक शुरू होगा और वहाँ अंक खत्म भी हो जाएगा, बाकी 80% दलित हो आदिवासी हो हमारे तमाम वर्ग का लोग हो, सारे लोग BJP को वोट डालेगा, आप निश्चिंत रहिए। सर कांग्रेस के नेता हैं निर्दलित पप्पू यादव का नाम सुना होगा सर आपने, उन्होंने आपके बारे में आप शब्दों का प्रयोग किया, मैं यूज नहीं करना चाहूंगा। देखिए पप्पू यादव जैसा लोग मेरा बारे में आप सब व्यवहार करेगा वो मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं, तो इसलिए मैं वो लोग को बोलता हूँ कि और बोलिए थोड़ा। गुंडा कहा सर? अरे ये तो बहुत कम बोला है, थोड़ा और ज्यादा बोल दीजिए, उससे मेरा क्या फर्क पड़ेगा? और बनेगा सर, वो जितना बोलेगा इतना मेरा नाम बिहार में भी चला जाएगा, बिल्कुल अच्छा ही होगा। अगले साल चुनाव भी है, वही है, थोड़ा मैं जब सभा करने जाऊंगा पहले ही मेरा नाम सबको मालूम होगा, 2 साल लोग ज्यादा देखने आएगा, तो अच्छा ही है उसमें। हवा अच्छी लग रही है अब एकदम झारखंड की हवा, आप देखिए सर सर मीटिंग कितना लोग खुद आ रहे हैं। सर बड़का का विधायक अंबा प्रसाद भाजपा पर आरोप लगाए कि हिंदू युवाओं को सिर्फ झंडा और उन्मूलन फैलाने के लिए भाजपा काम करती है, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में कमी देखी जा रही हिंदुओं की। देखिए हम 2,87,000 सरकारी नौकरी दूंगा, किसी को पैसा देना जरूरत नहीं है, किसी को क्वेश्चन पेपर लीक करना जरूरत नहीं है। हम झारखंड का युवाओं को पहला कैबिनेट में ही हम CGL एग्जाम रद्द कर दूंगा, नया एग्जाम होगा, कुल मिला के 3 साल में हम 2,87,000 नौकरी दूंगा। और इसमें ये नहीं है कि इस वर्ग को मिलेगा ये वर्ग को मिलेगा, गरीब और जो हमारे पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब समाज से आते हैं, मध्यम वर्गीय समाज से आते हैं, वही लोगों को नौकरी मिलेगी। कमलेश राम ने कहा कि मैं आपका हनुमान हूँ। कमलेश राम जी अभी घूम रहा है, वो भी सीख रहा है, थोड़ा बहुत मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा चलिए, बहुत धन्यवाद।